सर्दियों का मौसम हो या फिर शाम की चाय का समय हो, अगर ऐसे में गर्मा गर्म और कुरकुरे मूंग की दाल के पकौड़े मिल जाएं तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल के कुरकुरे पकौड़े। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के पकौड़े। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आइए देखते हैं मूंग दाल के पकौड़े बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली, और मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और ये देखिए अच्छे से फूल चुकी है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, इसे मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी हींग। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल के पकौड़े। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को पीसना है, तो इसके लिए मैंने मिक्सी वाला जार ले लिया है और अब हम इसमें दाल को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए दाल को मैंने जार में डाल दिया है और अब इसमें 2 छोटे चम्मच पानी डाल देंगे और अब जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए दाल को पीसकर मैंने तैयार कर लिया है और दाल को मैंने हल्का दरदरा सा ही पीसा है, ये देखिए। और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे इसी तरह से लगातार हाथ चलाते हुए। इससे हमारे पकौड़े अच्छे फूले फूले और कुरकुरे बनेंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है लगभग 2 से 3 मिनट तक। और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले इसमें नमक मिला देते हैं और ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और ये जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला और ये हींग। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये प्याज। और ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े फ्राई कर लेंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए पकौड़े डाल दिए हैं मैंने फ्राई होने के लिए। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो
तो ये देखिए पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये पकौड़े दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मूंग दाल के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। और ये देखिए कितने बढ़िया और कुरकुरे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से और पकौड़े भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम और पकौड़े भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये और पकौड़े भी डाल दिए हैं मैंने फ्राई होने के लिए और अब इसे भी उलट पलट कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं ये देखिए और अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो अब मूंग दाल के पकौड़े सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म और कुरकुरे मूंग की दाल के पकौड़े बनकर तैयार हैं। आप इसे सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ में या फिर सॉस के साथ में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फिर आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।